इसकी तकरीबन आपको एक शोरूम कीमत पड़ती है 22 लाख। तो अब मैं गाड़ी को एक बार आपको चालू करके दिखाता हूँ। पैनोरामिक व्यू आ रहा है तो आपको घुटन इस गाड़ी में महसूस नहीं होगी। फंस गया मैं तो यहाँ पे, आप देख सकते हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आप देख सकते हो हमारे पीछे लग चुकी है महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड बेसिकली बिग डैडी ऑफ एसयूवी। तो हमारे सामने ये टॉप ऑफ द वेरिएंट लगी है NHL लग्जरी मॉडल 6 सीटर के साथ, जो कैप्टन सीट हम जिसे कहते हैं। और ये डीजल में है, रियल व्हील ड्राइव मतलब 2 व्हील ड्राइव है, 4x4 नहीं है। इसकी तकरीबन आपको एक शोरूम कीमत पड़ती है 22,10,000 रुपये। ऐसे कीमत की बात करें तो अगर आप बेस वेरिएंट इसका लेते हो N2, तो वो आपको तकरीबन 22.5 लाख या 22,35,000-40,000 आपको ऑन रोड पड़ता है। ऑन रोड अभी हमारे सामने NHL है, जिसकी एक शोरूम कीमत आपको 22,10,000 है। इस प्राइस पॉइंट में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, आइए सारी चीज़ हम इसके बारे में बात करते हैं। भाई गाड़ी की एक बार आप प्रेजेंस देखो, क्या तगड़ी लग रही है एकदम। रोड प्रेजेंस का आप जब रोड पर देखते हो हम तो एकदम फैन हो जाओगे। और ये डीप फॉरेस्ट कलर है, इसके टोटल आपको 7 कलर देखने को मिलते हैं। तो कलर ऑप्शन में भी कोई कमी नहीं है, महिंद्रा की तरफ से आपको भरपूर कलर ऑप्शन में दिए जाते हैं। तो सारी चीज़ हम बात करते हैं कुछ इस तरह से। आपको बेसिक सी यहाँ पे आपको चाबी देखने को मिलती है, जहाँ लॉक अनलॉक और या बूट का आपको बटन देखने को मिलता है, जैसे आप बूट खोलोगे। और गाड़ी तो लोडेड है ही, बट साथ ही साथ चाबी भी उतनी ज़्यादा लोडेड है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप अनलॉक प्रेस करोगे, अभी जैसे गाड़ी लॉक है, जैसे मैंने अनलॉक प्रेस किया, लो भाई शीशे रोल डाउन होने लग गए, सनरूफ हमारी खुलने लग गई, और साथ ही साथ ब्लोअर हमारे यहाँ पे चालू हो रखा है, ताकि अगर गर्मियों में अगर गाड़ी में पार्क कर रखे हो ऐसे गर्मी में, तो अगर आप चाह रहे हो कि मैं वो फर्स्ट फ्लोर से अपनी गाड़ी में जाऊँ, गाड़ी पूरी हीटेड है, तो थोड़े देर के लिए आप ये फीचर ऑन कर लो। ब्लोअर चल रही है, सारी हीट एकदम फटाफट से बाहर हो जाएगी और ये सारे सिस्टम आपका ओके हो जाएगा। और अगर आप इसे लॉक करते हो, लो भाई ये भी हो गया ऊपर, और सनरूफ भी हमारे यहाँ पे क्लोज होगी। बट वो जो ब्लाइंडर है उसको आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, कि वो चीज़ें आपको अपने से नहीं होने वाली है। और यहाँ पे आपको दोनों साइड यहाँ पे आपको सेंसर देखने को मिलते हैं, जो कि रिक्वेस्ट सेंसर है, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों साइड है आपको, और कुछ की आपको इस तरह से देखने को मिलती है। आई सारी चीज़ आप फ्रंट से बात करते हैं, फ्रंट में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपकी गाड़ी का इंडिकेटर यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, जो हैजर्ड लैंप है। तो फ्रंट लुक से एक बार हम जल्दी जल्दी यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, ये कम्प्लीटली आपको प्रोजेक्टर LED में है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है लुक। और ये जब जो फ्लोटिंग टाइप है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर में ही आपको फॉग लैंप देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे आपको DRL देखने को मिलते हैं। और ये कहीं ना कहीं डिज़ाइन आपको ज़रूर मैच खा रहा होगा स्कॉर्पियो से, यानी बिच्छू आपने देखी तो बिच्छू के जो डंक होते हैं वो ऐसे मुड़ के कुछ इस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें इन्होंने कर रखी, काफ़ी बढ़िया लग रही है। फ्रंट पार्किंग सेंसर है, यहाँ पे कैमरा आपको देखने को मिलती है, साथ ही साथ महिंद्रा का लोगो है, क्रोम फिनिश में ग्रिल है। और ये डिज़ाइन जब 2014 में महिंद्रा ने अपने स्कॉर्पियो को लॉन्च किया था अपनी न्यू जनरेशन वाले के, तो कहीं ना कहीं डिज़ाइन एलिमेंट वहीं से सारा कुछ आ रहा है। और लोगो भी यहाँ पर चेंज हो रखा है, काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। अब गाइस इसकी पावर फिगर की बात कर लेते हो, तो ये है 2.2 लीटर का एमहॉक इंजन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज, जो कि आपको निकालता है 174 bhp और 400 Nm ऑफ टॉर्क। वही पेट्रोल इंजन की बात करें तो वो M-Stallion इंजन वाला 4 सिलेंडर इंजन है, जो कि आपको निकालता है 200 bhp और 300 Nm ऑफ टॉर्क। वो बेसिकली 2.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है। तो अगर आप सोचोगे कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको हाइड्रोलिक स्टार्ट मिलेंगे, तो ये चीज़ आपको नहीं है। यहाँ पे इंसुलेशन आपको ज़रूर देखने को मिलता है तगड़े, बट हाइड्रोलिक स्टार्ट आपको यहाँ पे नहीं है। और बोनट गाइस बहुत हैवी है। ये नीचे का आपको यहाँ पे स्कॉर्पियन का स्किड प्लेट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं 18 इंचेस के। टायर साइज की बात करें 235/60R 18 इंच का आपको टायर मिलते हैं, ऑल ट्रेन वाले। तो MRF का टायर है ट्यूबलेस, लेकिन अगर आप बेस वेरिएंट में जाते हो तो ये चीज़ आपको 17 इंच में हो जाती है, और थोड़ा अलॉय का डिज़ाइन में आपको चेंज देखने को मिलता है। फ्रंट में भी डिस्क आते हैं, पीछे में भी डिस्क आते हैं, फीचर तो खैर लोडेड है। सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह का आपको गाड़ी का फ्रंट डिज़ाइन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो सेंसर वगैरह है वो दिए जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह, ये आपको वाइपर्स दिए जाते हैं, 2 यहाँ पर ब्लेड्स हैं। और ये चीज़ आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो, हालांकि यहाँ पे आपको कोई भी कैमरा देखने को नहीं मिलता। वो आपको टफनेस और उसकी जो झलक है स्कॉर्पियो की, वो स्कॉर्पियो N में भी रखी गई है, तो अब ये ज़्यादा बढ़िया हो गई है। जो शहरी लोग हैं वो इस गाड़ी को ज़्यादा प्रेफर करने लग गए हैं, जो पहले कहते थे कि वो स्कॉर्पियो कमर्शियल में यूज़ होती है, अब वैसा बात नहीं रहा। काफ़ी महिंद्रा ने चेंज कर दिया सारा कुछ, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ से आप डीजल भरोगे, और यहाँ से आप जो एड ब्लू टैंक है ये है फेल BS6 डीजल ओनली। यहाँ पे जो आप ये गाड़ी BS6 Phase 2 आ गई, यानी BS7 आ गई, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। एड्रोनेक्स के यहाँ पे कनेक्टेड ब्रांडिंग है। पीछे टेल लैंप की बात करें तो यहाँ पे अगेन आपको सिक्वेंशियल LED
टर्न इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको टेल लैंप है जो कि एलईडी में ही है, और यहाँ पे क्रोम फिनिश है आपको सारी चीज़ें यहाँ पे, यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्शन से देखने को मिलती है, और यहाँ डाडा मोटर्स का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया है। बट कुछ भी आगे शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू डाडा मोटर खन्ना। अगर आपको महिंद्रा के कोई भी प्रोडक्ट देखनी है तो यू शुड डेफिनेटली विजिट डाडा मोटर खन्ना। शोरूम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको डिफॉगर देखने को मिलते हैं, यहाँ पे वाइपर है, यहाँ पे आपको रूफ माउंटेड टेल लैंप देखने को मिलते हैं, और भाई कुछ शार्फी एंटीना आपको देखने को यहाँ मिलता है। तो इन टर्म्स ऑफ फीचर के मामले में लोडेड है गाड़ी पूरी। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो इनकी यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। अगेन यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिलता है, नीचे में आपको सेंसर वगैरह देखने को मिलते हैं, और ये आपका रिवर्स लैंप वगैरह हो गया यहाँ पे, और टायर यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है जो कि आपका अलॉय में नहीं है। ये टायर आपको 1 इंच छोटा मिलता है, जो स्पेयर टायर है वो 17 इंच का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आइए अब गाड़ी के अंदर हम चलते हैं, और 187mm का गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि सफिशियंट। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ऊंची लग रही है गाड़ी। तो ये ना इस टाइप की जो सेगमेंट की गाड़ियाँ होती है वो फॉर्चुनर वगैरह से कम्पीट होती है। तो आजकल इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे मीम हो रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ी में सनरूफ नहीं, फॉर्चुनर में, ऐसा करके मतलब चल रहा है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलता है, ब्लैक और कॉफ़ी कलर का यहाँ पे थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे पियानो फिनिश है, पावर विंडो का कंट्रोल है आपको यहाँ पे, यहाँ पे आपको लॉक वगैरह दिया गया है, और ये जो हैंडल है काफ़ी बढ़िया है, प्रीमियम फील करा रहे हैं मुझे यहाँ पे, सिल्वर का टच है आपको यहाँ पे। गाड़ी में चढ़ के देखते हैं, ये सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है, मेरी हाइट है 5'9" जैसा कि आप जानते हो, हर वीडियो में मैं आपको बताते रहता हूँ। तो मैं अभी आपको यहाँ पे बैठ के दिखाता हूँ भाई। नीरू मुझे यहाँ पे इतना मिल रहा है, अंदर 2.5 फुट बेस्ट है। हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम में मुझे यहाँ पे सफिशियंट देखने को मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 फिट के लोग भी कम्फर्टेबल जर्नी का मजा ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये आर्मरेस्ट यहाँ पे दिया गया है कम्फर्टेबल जर्नी के लिए। भाई एक बार आप यहाँ से ना गाड़ी की लुक देखो, क्या लुक आ रही, ज़बरदस्त, मैं तो एकदम फ़ैन हो गया इसका यहाँ पे। और यहाँ देखो आप, यहाँ पे ब्लोअर दिए गए हैं जो कि एसी के कंट्रोल आप कम ज़्यादा कर सकते हो, टाइप सी के यहाँ पे आपको पोर्ट दिए जाते हैं, ये चीज़ आप मैनुअली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। सीट पॉकेट यहाँ पे दी जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको सीट पॉकेट दी जाती है। बट एक चीज़ और अच्छी है कि यहाँ पे एक और अंदर में भी एक छोटी सी पॉकेट आपको दी जाती है, जो आपके छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। लाइट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो कि एलईडीज में है। यहाँ पे आपको हुक वगैरह देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको हैंडल वगैरह देखने को मिलते हैं। पैनोरामिक सनरूफ नहीं आता क्योंकि ये स्टेप सनरूफ है, तो उसके वजह से ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने नहीं दी है। और पीछे की बात करें तो ये सीट मैं प्रेफर करूँगा छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ज़्यादा नहीं। अगर 10-12-20 किलोमीटर की जर्नी है तो बड़े बैठ सकते हैं, वो भी दिक्कत होगी, मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, टाइट सा मामला। यहाँ पे मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। तो फंस गया मैं तो यहाँ पे, आप देख सकते हो मतलब यहाँ पे हेडरेस्ट ना के बराबर है। छोटे बच्चे हैं उनके लिए जर्नी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ सेफ्टी में इन्होंने बहुत ध्यान रखा है। यहाँ पे भी पीछे में भी आपको सीट बेल्ट दे रखी है, यहाँ पे आपको 12 का चार्जिंग पॉट वगैरह यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे थोड़े बहुत कभी होल्स हैं, यहाँ पे आपको हैंडल दी जाती है, कन्वीनियंट के लिए आपको लाइट भी दी जाती है। ये लाइट एक तरफ ही नहीं है, दोनों तरफ ही आपको लाइट दी जाती है। यहाँ पे आपको सब वूफर देखने को मिलता है। इस गाड़ी में टोटल 12 स्पीकर है, खैर वो मैं आपको आगे अभी चल के बताऊँगा सारी चीज़ें। यहाँ पे स्पीकर वगैरह हैं, और ये कुछ आपको बूट के स्पेस देखने को मिलता है, वो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। बाकी ये सीट बढ़िया है, कैप्टन सीट जो है उससे मुझे कोई शिकायत नहीं, कैप्टन यहाँ पे अभी कोई शिकायत नहीं, यहाँ से आप कंफर्टेबल जर्नी का मजा ले सकते हो एकदम विधायक की तरह। मजाक कर रहा हूँ, मतलब अच्छा फील आ रहा है, यहाँ से कोई टेंशन नहीं है, काफ़ी बड़ा व्यू आ रहा है, पैनोरामिक व्यू आ रहा है, तो आपको घुटन इस गाड़ी में महसूस नहीं होगी। ये डिक्की खोलते हैं और देखते हैं। पहले क्या था स्कॉर्पियो में कि ये चीज़ें भी साइड से खुलती थी, अभी भी ये चीज़ें साइड से ही खुलती हैं, तो कोई ये नहीं है। और बूट स्पेस कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है, यहाँ से आप स्पेयर टूल्स वगैरह जो यहाँ पे रखे गए हैं, और इसको आप चाहो यहाँ से होगी, तो अगर आप मोड इस सीट को फोल्ड करोगे तो कुछ आपको इस तरह के स्पेस देखने को मिलेगा। खाली कि ये सीट अभी फोल्ड नहीं हो पा रही क्योंकि हमारी कैप्टन सीट अभी एक्टिवेट है, उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, मतलब उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए क्या है, बेसिकली यहाँ से आप बटन प्रेस करो, ये चीज़ हो जाएगी, यहाँ से बटन है, सीट पूरी 60-40 के स्पीड में हो जाती है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। आइए इसे बंद करते हैं, पे बात करते हैं क्या कुछ है। तो ग्लव बॉक्स है, कूल ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे सॉफ्ट टच है, प्लास्टिक की क्वालिटी भी आपको बढ़िया हार्ड देखने को मिलती है, सीट की कुशनिंग भी बढ़िया है, और जो इसका सपोर्ट है साइड से वो काफ़ी मुझे यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि सीट ने एकदम जैसे पकड़ के रख रही है आपको हर सिचुएशन में। अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो या फिर ऑन रोड भी जा रहे हो तो कम्फर्टेबल ये सीट आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और जैसे मैंने बताया ये ऑटोमेटिक है। पहले सारी चीज़ें अभी बात करते हैं उधर कंसोल पे आके क्या कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिलता है।
और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है जो कीलेस एंट्री हम जिसे कहते हैं। और एक बार ना एक चीज़ आप देखो यहाँ पे, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे एरोडायनामिक के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डक टाइप का इन्होंने दे रखा है। और एक बार आप गाड़ी का अप्रोच और डिपार्चर एंगल चेक करो, मतलब मज़ा आ जाएगा इस गाड़ी को देख के आपको। एक बार आप नियरेस्ट शोरूम में जाके ज़रूर विजिट करें और इस गाड़ी को एक बार ज़रूर चेक करें। पावर विंडो का कंट्रोल है, लॉक अनलॉक कर सकते हो इलेक्ट्रिकली, मिरर को फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, यहाँ से एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर देखने को मिलता है, यहाँ पे आप पार्किंग सेंसर फ्रंट का एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर पाओगे अपने अकॉर्डिंग। और ये चीज़ देखो भाई, ये चीज़ हम स्कॉर्पियो में मिस करते थे ना, ये चीज़ अब आ गई है कम्प्लीट। ऐसे पकड़ो यहाँ पे करके, ये भाई लो भाई बैठ गया। पुश स्टार्ट बटन आपको देखने को मिलती है, सोनी की स्पीकर हैं, 12 स्पीकर एक सबवूफर के साथ। अगर आपको ऑडियो क्वालिटी उम्दा करनी है अपनी गाड़ी में स्कॉर्पियो एन में, तो आप 3D ऑडियो में जाके, 3D इमर्सिव ऑडियो में जाके उसको लो कर दें, क्या म्यूजिक क्वालिटी आएगी एक बार आप चेक करके ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके। यहाँ पे आपको कोई भी मिरर वगैरह देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको मिरर है, साथ ही साथ लाइट भी आपको देखने को मिलती है। आप समझ गए ना किस लिए लाइट है यहाँ पे। और ये चीज़ आपको यहाँ पे LED में लाइट देखने को मिलती है। सनग्लास होल्डर है, ये हमारे लिए है। और यहाँ पे माइक वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको सनरूफ है, कुछ दिन पहले हालांकि इसकी वीडियो वगैरह लीक हो रही कि सनरूफ वगैरह लीक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे बस रबर की बीटिंग होती है, वो कभी कभी इधर उधर हो जाती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, वरना ऐसे मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बात करें 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले, मैं गाड़ी को ऑन करता हूँ अभी एक बार, सारी चीज़ आपको बताता हूँ। तो ये हमारी यहाँ पे गाड़ी ऑन हो चुकी है, लो टायर प्रेशर यहाँ पे सारा कुछ आ रहा है, ओपन डोर आ रहा है, ये सारा कुछ करके सिग्नल आ रहा है हमारा, यहाँ पे सारे वार्निंग लाइट्स यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे पेट्रोल लो है, वो इसकी शाइन चोरी, इंजन टेम्परेचर है, यहाँ पे आप स्पीडोमीटर देख सकते हो, यहाँ पे टैकोमीटर है 7 तक है जिससे आप पता लगा सकते हो, डीजल है, टाइम वगैरह है। यहाँ पे 33 डिग्री टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो आउटसाइड टेम्परेचर है। और यहाँ से बात करें क्या कुछ है, क्रूज वगैरह सेट कर सकते हो इसमें, अगर मैं जाता हूँ तो आप यहाँ से नेविगेशन वगैरह चेक कर सकते हो, नेविगेशन है, व्हीकल इन्फो है, ड्राइव इन्फो है, सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ से इजली एक्सेस कर पाते हो। तो वो सारी फीचर है जो आपको एक CV70 में देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें आपको ड्राइवर डाउजीनेस का फीचर देखने को मिलता है, यानी ड्राइवर अलर्ट का, मीन्स यहाँ पे एक सिंबल आता रहेगा, आपको लेवल शो होगा कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करो अपनी गाड़ी में, अगर आप मान लो कि लेजी जैसा गाड़ी चला रहे हो, आराम से 40 पे आपने फिक्स कर रखा है, स्टेयरिंग का मूवमेंट नहीं है, कोई इंडिकेटर, कोई लाइट वगैरह आप नहीं दे रहे हो, पास वगैरह नहीं दे रहे हो, एकदम इनएक्टिव शो करो, तो ये लेवल आपका डाउन होता रहेगा, मीन्स आपकी गाड़ी ये सेंस करती है कि आप कहीं थकान मैं तो गाड़ी नहीं चला रहे हो, आपकी आंख तो नहीं लग रही, तो ये चीज़ यहाँ पे ये सेंस करती है और आपको बताती रहेगी। तो वो बेसिकली 4 पैरामीटर पे हमारा काम करता है, पहला जो आप स्टेयरिंग का मूवमेंट हो गया, इंडिकेटर वगैरह हो गया, और आप रेस वगैरह और किस तरह से आप गाड़ी को ऑपरेट करो, ये 4 पैरामीटर पे वो चीज़ें हमारी यहाँ पे काम करती हैं। और यहाँ से आप वर्टिकल वेंट्स देख सकते हो, यहाँ पे सारे वर्टिकल वेंट्स है। प्लास्टिक क्वालिटी मुझे गाड़ी की बढ़िया लग रही है। और यहाँ से आप एक बार ये देखो भाई, इस चीज़ के हम दीवाने हैं हमेशा से, शुरू से जो बोनेट दिखती है, रोड प्रेजेंस है काफ़ी तगड़ी आती है। 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस सपोर्ट करता है, ये सारी चीज़ें। म्यूज़िक की बात करें तो सेटिंग में जाते हैं हम यहाँ पे, जैसे मैं बता रहा था ऑडियो में जाके आपको इमर्सिव 3D में जाके इस चीज़ को आपको लो कर देनी है, तो आपकी ऑडियो क्वालिटी एकदम उम्दा हो जाएगी। इक्वलाइजर वगैरह यहाँ पे है, बेस को आप सब बूफर को आप थोड़ा सा बढ़ा दें, और 3D मतलब ये क्या था, सॉरी हाँ, इमर्सिव 3D ऑडियो में जाके आप ये सारी चीज़ कर दें कि आपको उम्दा क्वालिटी मिलेगी। एक बार आप ज़रूर इसे चेक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपके पास स्कॉर्पियो एन है तो, ये चीज़ आप करके मुझे बताना, ठीक है। और सेटिंग वगैरह में जाते हैं यहाँ पे हम एक बार फिर से आते हैं, डिस्प्ले वगैरह में जाते हैं, तो ब्राइटनेस वगैरह आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो रात के लिए और दिन के लिए, जो भी आप रखना चाहो यहाँ पे, क्लॉक टाइम वगैरह है यहाँ पे। और जाते हैं डे एंड टाइम में, फ़ोन में, अलेक्सा में, गेट स्टार्टेड, टू यूज़ अलेक्सा यू मस्ट साइन इन अमेजोन अकाउंट, ठीक है। अगर इस गाड़ी में आपको अलेक्सा भी देखने को मिलते तो आपको पहले ये अकाउंट वगैरह लिंक करना पड़ेगा। ये बेसिकली कनेक्टेड कार है, वॉइस कमांड जैसे फीचर भी हैं, जैसे आप बोलोगे हे अलेक्सा ओपन द सनरूफ, सनरूफ हमारी ओपन हो जाएगी, हे अलेक्सा टर्न ऑन द AC, हमारी AC ऑन हो जाएगी। अब बात करते हैं इस कंट्रोल में हमको क्या कुछ देखने को मिलता है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है भाई, सबसे बढ़िया फीचर। इस तरफ के ड्राइवर के लिए आप अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हो, इस तरफ के ड्राइवर के लिए आप अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हो। जैसे इधर लो आ रहा है, इधर देखो आप, इधर 25 डिग्री पे सेल्सियस है, इधर 25 डिग्री पे टेम्परेचर है, और इधर आपको 22 डिग्री पे है, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सारी चीज़ें एडजस्ट कर पाओगे। दोनों डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का ये फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। यहाँ बात करें SOS का, यहाँ पे आप कैमरा वगैरह चेक कर सकते हो, जो कि ये है कैमरा क्वालिटी, हालांकि उतनी बढ़िया मुझे नहीं लगी यहाँ पे,
फटे फटे थोड़े से पिक्सल आ रहे हैं यहाँ पे, साइड वगैरह का आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो। 360 रहता तो ये पूरा व्यू आपको यहाँ पे दिखा देता। हेड लैम्प के बटन है, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, और यहाँ पे आपको ड्राइव मोड देखने को मिलते हैं, जिप, जैप और जूम, बेसिकली इको पावर और स्पोर्ट्स मोड है, जो कि जो तीन टाइप के मोड आते हैं, अगर एक नॉर्मल चल रहे हो, एक सुपर चल रहे हो, एक स्पोर्ट्स मोड चल रहे हो, तो वही यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जिप, जैप और जूम करके। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक गियर देखने को मिलता है, रिवर्स, पार्किंग, न्यूट्रल, और यहाँ पे आप ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे दो कभी होल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको लेदराइज, यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आर्मरेस्ट के, तो ये स्लाइडेबल नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर देखो स्पेस इनफ है, मतलब थोड़े बहुत आप फ़ोन वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। और लेदर स्टेयरिंग व्हील है, साथ ही साथ टेलीस्कोपिक नहीं है, सिर्फ आपको टिल्ट है, पर टिल्ट भी इतना बढ़िया है कि आप देखो मैं इसे बस बिल्कुल आराम से कर पा रहा हूँ। ये चीज़ आप मेरी बात मानो, ये दूसरी गाड़ियों से बहुत आसान हो जा रही है, देखो। और यहाँ पे आपको थोड़े से फ्लैट बॉटम, यहाँ पे आपको पियानो फिनिश भी देखने को मिलता है सिल्वर के टच के साथ, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बढ़िया है। इसे बंद कर दो भाई, आवाज़ करिए। स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पे इंजन का बटन आपको देखने को मिलता है, जो कि आप बेसिकली हमारा ट्रैफिक में काम करता है। यहाँ से आप पैसेंजर साइड के एयरबैग को ऑफ कर पाओगे। यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट देखने को मिलती है, थोड़े बहुत स्पेस है यहाँ पे। ड्राइवर साइड डोर में भी आपको यहाँ पे थोड़े बहुत स्पेस देखने को मिलते हैं। स्पीकर यहाँ पे भी आपको रखा गया, और यहाँ पे आपको मैनुअली ऑटो डिमिंग यहाँ पे आपको सारा कुछ रखा गया है। फीचर वाइज तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे बात कर ली, अब बात आती है सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी में क्या कुछ देखने को मिलता है भाई। तो जितनी गाड़ी लोडेड है फीचर के मामले में, उतनी सेफ्टी में भी लोडेड है। आपको इसमें 6 एयरबैग देखने को मिलता है, ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड, कर्टेन साइड। आपको यहाँ पे सीट में भी आपको यहाँ पे एयरबैग के यहाँ पे आपको ब्रांडिंग की गई है, और साथ ही साथ ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल, सारे फीचर आपको यहाँ पे लोडेड रखे गए हैं। तो उसके बारे में कोई परेशानी नहीं है, फीचर्स के मामले में गाड़ी तगड़ी है, सेफ्टी के मामले में भी गाड़ी तगड़ी। ग्लोबल एनकैप में आपको 5-स्टार रेटिंग मिली है सेफ्टी में, और क्या चाहिए भाई। और एक चीज़ आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट लॉक आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट लॉक आ रहा है आपको बटन। तो ये बटन क्या है, बेसिकली अगर आप इसे चाबी की मदद से निकालोगे और इसे प्रेस करोगे अंदर, तो आपकी गाड़ी ना ये ऑटोमेटिक न्यूट्रल में हो जाएगी। जैसे कई बार होता है गाड़ी हमारी ब्रेकडाउन हो जाती है, तो हमारा ड्राइव मोड में रहता है, रिवर्स में रहता है, तो फिर टो करने में दिक्कत आती है। तो ये बेसिकली हमारा शिफ्ट लॉक है, यहाँ से जैसे आप इसे प्रेस करोगे अंदर, तो हमारी गाड़ी ये चीज़ ऑटोमेटिक न्यूट्रल में जाएगी। तो अब मैं गाड़ी को एक बार आपको चालू करके यहाँ पे दिखाता हूँ। भाई रिफाइन इंजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, थोड़ा रेस देता हूँ, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई गियर में वाइब्रेशन नहीं है, बट गाड़ी थोड़ी थोड़ी हिल रही है। आप देखो भाई मज़ारा, गाड़ी एकदम झूले मार रही है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी स्कॉर्पियो एन के बारे में फेवरेट चीज़ क्या है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बट वीडियो खत्म होने से पहले आप चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें, बाइक राइड के दौरान हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। मिलते हैं एक नई फ्रेश वीडियो में, टिल देन सेफ ड्राइव।